नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख और समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी कर रहे हैं और इस बार उनके साथ उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अंबेडकर नगर की कुठेहरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस सीट पर दलित और मौर्य मतदाताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वो निर्णायक भूमिका में हैं और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही मजबूत कैंडिडेट इस सीट पर बन सकते हैं। अखिलेश यादव भी चाहते नहीं थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़कर जाएं, लेकिन क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी लाइन से लगातार हटकर बयानबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से सपा का एक बड़ा धड़ा काफ़ी नाराज़ हो गया था, खासतौर से समाजवादी पार्टी के उस वक्त के मुख्य सचेतक मनोज पांडे, जो कि बाद में पार्टी को धोखा देकर भाग भी गए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त की थी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जिस वजह से स्वामी प्रसाद को 22 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़कर जाना पड़ा था। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता के साथ साथ विधान परिषद की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। इसी से आप उनकी ईमानदारी को समझ सकते हैं, क्योंकि मनोज पांडे वो तो पार्टी में अभी भी हैं, सपा के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, चुनाव में प्रचार भी वो भारतीय जनता पार्टी का कर रहे थे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को और चाहे जो भी कहें, लेकिन उनकी नैतिकता के लिए उनकी तारीफ अवश्य की जानी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बदायूं से जीतकर लोकसभा पहुंची थीं, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और अब वो भी अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। अखिलेश यादव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कभी नहीं चाहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़कर जाएं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि उन्हें तो कभी स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा नहीं मिला, ना ही उन्होंने कभी उसे स्वीकार किया है। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य निश्चित रूप से अगर सपा में आते हैं तो इससे दोनों का ही फायदा है। जहाँ समाजवादी पार्टी के PDA के नारे को मजबूती मिलेगी, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि इस समय हाशिए पर चले गए हैं राजनीति में, उन्हें भी एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में वापस आने का मौका मिलेगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 80 में से 37 सीटों पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, जो कि सपा का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी जबरदस्त जीत हासिल करेगी और निश्चित रूप से एक बार फिर से प्रदेश में सपा की सरकार बन सकती है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की वापस सपा में वापसी होनी चाहिए या नहीं?